नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं और वो है दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 का सक्सेसफुली लॉन्च होना, जिसको दोस्तों इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया है। यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से कुछ इतने इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को मैं 17 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो भी दोस्तों आज ही हुआ है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसरो ने इसको ट्वीट करके बता दिया है, यहाँ पर इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो दोस्तों, वाकई ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के भी हिसाब से ये काफ़ी रिलेवेंट पॉइंट है। और दोस्तों, अब इसको सारी मीडिया भी कवर करने लगी है और आज की डेट आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2020 को ही इसके बारे में रिपोर्ट आ चुकी है कि ये इसरो की एक दूसरी फीट है और यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट सैटेलाइट है 2020 का, उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमने यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं जो उनके एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो थोड़ा आप उसके बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी आईएएस 2020 एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो हमारे साथ दोस्तों कोलेबरेट कीजिए, इससे आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्रैक करने के लिए हमारी इस स्पेशल वीडियो को देखिए, इसमें स्ट्रेटजी एंड टिप्स है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा डायरेक्टिव वर्ड वाला एक स्पेशल वीडियो है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो मेंस के क्वेश्चन पेपर में स्पेशल डायरेक्टिव वर्ड आते हैं, एग्जामिन एनालिसिस एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये आप सीख जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इन्हें नहीं सीखते तो आप यूपीएससी मेंस कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी नेसेसरी है आपके लिए। और दोस्तों, ये टिप्स इम्पॉर्टेंट कैसे हैं, इस चीज़ को बताने के लिए हमने 2018 यूपीएससी मेंस पूरा सॉल्व कर दिया है और 2019 का भी यूपीएससी मेंस हमने दोस्तों सॉल्व कर दिया है। और दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्टिव वर्ड के कंसेप्ट को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में, तो आप इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि करंट अफेयर इश्यूज को भी हम काफ़ी तेज़ी से कवर कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ वो यूपीएससी मेंस 2020 में भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इसीलिए कृपया हम हमारे साथ जुड़िए। अब दोस्तों, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। सबसे पहले दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इस सैटेलाइट का जो वजन है अप्रोक्सीमेटली 3,357 kg है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ना था, और यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑर्बिट होता है अर्थ के इक्वेटर से अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़्यादा पर होता है। तो इतने वेट के सैटेलाइट को इतनी ऊंचाई पर छोड़ना अभी हमारे इसरो के लॉन्चर व्हीकल की कैपेसिटी में नहीं है, यानी हमारा इसरो अभी इस लायक कैपेबल नहीं है, इसीलिए दोस्तों हमें एक फॉरेन कंपनी पर डिपेंडेंट होना पड़ा, और वो है दोस्तों फ्रांस की एक कंपनी जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस की इस कंपनी का सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल इस्तेमाल हुआ है, जिसका नाम है अरियाना 5VA251। इसको भी आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये किस तरीके की कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको भी एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस सैटेलाइट के अंडर में जितना एरिया आ रहा है वहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी की सर्विस प्रोवाइड नहीं होने वाली, जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करेगी रीजन टू रीजन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इंडिया का मेनलैंड है और आइलैंड है, उनको तो क्यू बैंड फ्रीक्वेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड होगी, लेकिन दोस्तों जो आसियान कंट्रीज़ हैं और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ तक ये रेंज जो है काफ़ी कम हो जा रही है, सी बैंड की सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ध्यान रखना है कि जो इंडिया का मेनलैंड है और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, और उसके अलावा जो गल्फ़ कंट्रीज़ तक का एरिया हो गया, वहाँ तक तो इस सैटेलाइट की जो एक तरीके से पावर है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्यू बैंड फ्रिक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी की सर्विसेज आएंगी। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ देखें, आसियान कंट्रीज़ की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम जाएं, तो इसकी सर्विस की जो पावर है वो कम हो जा रही है और वो सी बैंड में कन्वर्ट हो जा रही है। अब दोस्तों इसके पीछे बिजनेस से रिलेटेड रैशनाले दिया जा सकता है कि हो सकता है गल्फ़ कंट्री में इंडिया को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराने की, और वो फैसिलिटी एशियन कंट्री और ऑस्ट्रेलिया में ना मिल पाए, इसलिए शायद ऐसा किया गया हो। फिलहाल इसका रीज़न जो है इसरो ने नहीं बताया है हमें, और इसका रीज़न के लिए हमें आगे फर्दर वेट करना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो सर्विस प्रोवाइड कैपेबिलिटी है वो रीजन टू रीजन एक तरीके से चेंज हो रही है, सब जगह एक ही फ्रीक्वेंसी की सर्विस प्रोवाइड नहीं होने वाली। अब फिलहाल दोस्तों आपका हम क्यू बैंड, का बैंड और सी बैंड से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। एक्चुअली में ये होता कुछ भी नहीं है, सिंपल एक तरीके से जो वेवलेंथ होती है इन रेडिएशन को इमिट करने वाली, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन का एक तरीके से स्पीड होगा, उतने ही फास्ट इंटरनेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो क्यू बैंड है उसका जो यहाँ पर डाउनलोड बैंड और अपलिंक बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी ज़्यादा है सी बैंड के एक तरीके से डाउनलोड बैंड और अपलिंक बैंड फ्रीक्वेंसी से। तो आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि क्यू बैंड जो है इसका नेट जो होगा काफ़ी फास्ट होगा, और दोस्तों क्यू बैंड से भी फास्टर नेट जो होते हैं का बैंड, और का बैंड मिलिट्री का ही एक अलग से एक तरीके से रेंज होता है। इन सब चीज़ों को दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने 6G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में, और इसका इंटरफेस आप दोस्तों देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक जो होगा आपको आराम से हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो डाउनलोड बैंड्स और अपलिंक बैंड्स हैं उनका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपली ये ध्यान दीजिए कि जब भी हमारा डिवाइस जो है अर्थ पर होगा और सैटेलाइट स्काई में होगा, तो जब हमारा एक तरीके से कम्युनिकेशन का जो वेव है वो जब ट्रांसमिट होगा डिवाइस से लेकर के सैटेलाइट की तरफ, तो उसको हम अपलिंक कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं डायग्राम के इस पार्ट में, और यहाँ पर अपलिंक लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, जब सैटेलाइट से कम्युनिकेशन वेव नीचे अर्थ के डिवाइस की तरफ आएगी, यानी मोबाइल फ़ोन में या आपके टीवी में या कोई और कम्युनिकेशन रिसीवर डिवाइस में, तो उसको डाउनलिंक कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इनका जो वेवलेंथ है वो अलग अलग रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है, यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन का जो आने और जाने का एक तरीके से ये बैंड होता है वो एक तरीके से रूट का काम करता है, यानी रास्ते का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जाने के लिए ट्रेन का अलग रास्ता होता है, आने के लिए अलग होता है, जैसे मेट्रो में होता है, सेम वैसे ही दोस्तों इसका भी आने जाने का रास्ता अलग रखा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यू बैंड हो, का बैंड हो, या एक तरीके से सी बैंड हो, या 4G 5G या 6G हो, कुछ भी हो, तो उनमें हम दोस्तों जो एक तरीके से स्पीड होती है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम उसमें एक तरीके से फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। तो इनमें दोस्तों ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 4G का एक तरीके से आपने जो अपलिंक रख दिया वो 4G में रख दिया, या डाउनलिंक रख दिया वो आपने 2G में रख दिया, ऐसा करने पर स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। इसीलिए दोस्तों स्पीड को मेंटेन रखने के लिए गैप को कम रखा जाता है। मान लीजिए दोस्तों अगर आपने क्यू बैंड का जो डाउनलिंक है उसको आपने एक तरीके से जो सी बैंड का जो डाउनलिंक डाउनलोड बैंड है उससे आपने रिप्लेस कर दिया, और आपने अपलिंक जो है उसका सेम रहने दिया क्यू बैंड का, तो क्यू बैंड जो है वो चीज़ों को अपलोड जल्दी करेगा लेकिन डाउनलोड जो है वो सी बैंड की स्पीड में करेगा। तो ऐसे होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर इसमें गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाउनलोड और अपलोड की, दोनों की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। अब दोस्तों आइए सैटेलाइट के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी भी जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इसको ध्यान रखना होगा कि इसका मिशन लाइफ जो है 15 इयर्स का है, और यहाँ पर ये ISAT-4A सैटेलाइट को रिप्लेस कर देगा जो अभी फ़िलहाल ऑर्बिट में है लेकिन जल्द ही रिटायर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये सर्विसेज के तौर पर क्या क्या प्रोवाइड करेगा तो इसको आप ध्यान रखिए, GSAT जो है DTH टेलीविज़न सर्विसेज को और अच्छा बना देगा क्योंकि यहाँ पर क्यू बैंड होगा। उसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी टू VSAT-4 ATM, यानी ATM भी और अच्छी प्रॉपर वर्किंग शुरू कर देंगी। इसके अलावा दोस्तों टेलीविज़न अपलिंकिंग एंड टेलीपोर्ट सर्विसेज,
डिजिटल सेटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग और ई गवर्नेंस, इसमें भी कमाल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर ये जो सेटेलाइट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके पीछे जो कारण है दोस्तों वो ये है कि गवर्नमेंट ने दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बिल पेश किया था, और वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का। और दोस्तों इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिफॉर्म होना है हमारे फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। ये जो दोस्तों सेंटर होगा एक तरीके से फॉरेन करेंसी में डील करेगा, और यहाँ पर दोस्तों इन सब चीज़ों को करने के लिए काफ़ी फास्ट इंटरनेट चाहिए। यहाँ पर जो इन्वेस्टर थे वो यही सवाल उठा रहे थे कि बिल तो पास हो गया है, लेकिन यहाँ पर जब तक फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तब तक यहाँ पर कोई फाइनेंशियल सेंटर नहीं बन पाएगा, और इसी वजह से दोस्तों फॉरेन करेंसी का जो डीलिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी। लेकिन अब हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये सैटेलाइट अब लॉन्च हो गया है और वर्किंग जब इसकी एक तरीके से चालू हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भी काफ़ी अच्छे से काम करने लगेगा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आप इस बात को इससे समझ सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट होगा इस चीज़ के भी कैपेबल होगा कि काफ़ी जो अमाउंट में डाटा होगा उसका ट्रांसफ़र किया जा सके इन इमर्जिंग टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड, जिसमें हमने इस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस व्यू पॉइंट दोनों ही तरीके से एनालाइज कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस टॉपिक पर कोई और आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है और एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।